महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। उनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज को पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। आज उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन, जन्म, उम्र और परिवार की कहानी। प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र में 40 पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उनके लिए ये सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 3 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय से जुड़ी कहानियाँ। महाराज जी ने 13 साल की उम्र में घर त्याग दिया। इनके गुरु का नाम श्री गोरंगी शरण जी महाराज था। इन्होंने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। उसके बाद अब महाराज जी की 60 वर्ष की लगभग उम्र हो गई है। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। इसके बाद ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना के ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उनके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमती जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपना दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया।
महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भाग लिया। उन्होंने करीब एक महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह से समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। एक महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मगन और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय महिमा में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भगतमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। महाराज जी वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वह उनके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की, तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मगन हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य तथा वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। वह अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत के देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति का है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उनका हल निकालते हैं। तो दोस्तों, ये था महाराज जी का जीवन परिचय। अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो उनका पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही जीवन परिचय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।